बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज के लेसन में हम एको सिस्टम्स के हवाले से टाइगा का जिक्र करेंगे जो कि एक डिफ़रेंट किस्म का एको सिस्टम है और हमने टाइप्स ऑफ एको सिस्टम्स स्टार्ट किए हैं जिसमें ऑलरेडी हम दो पढ़ चुके हैं आज का जो एको सिस्टम है उसका नाम है टाइगा मैं हूँ आपका होस्ट उमर अहमद और टाइगा को डिफरेंट नेम्स से जाना जाता है जैसे कि नॉर्दर्न कॉनिफ्रस फॉरेस्ट या बोरियल फॉरेस्ट भी इनको कहते हैं थ्रू आउट हाफ ऑफ द कैनेडा, पार्ट ऑफ नॉर्दर्न यूरोप एंड मच ऑफ द रशिया देयर इज एन एवर ग्रीन कॉनिफ्रस फॉरेस्ट नोन एज टाइगा ऑल्सो नोन एज द नॉर्दर्न कॉनिफ्रस फॉरेस्ट तो इसको नॉर्दर्न इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वर्ल्ड के नॉर्दर्न साइड्स पे पाए जाते हैं ये फॉरेस्ट्स और इसमें कौन कॉनिफ्रस प्लांट्स बहुत होते हैं आ, ये अब हम डायग्राम के जरिए भी देखेंगे कि कॉनिफ्रस फॉरेस्ट्स या प्लांट्स कौन से होते हैं द फॉरेस्ट फ्लोर इज वेरी वेजिटेटेड मीन्स वेरी लेस प्लांट्स तो फॉरेस्ट के फ़्लोर में कम वेजिटेशन होती है प्लांट्स कम होते हैं उसकी वजह यह है कि यहाँ फॉरेस्ट में सॉइल बहुत कम होती है और टेम्परेचर से इनतहाई कूल होता है जिसकी बिना पे छोटे प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते हैं अच्छा यहाँ पे आप डायग्राम के ज़रिए देख सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर हमें स्नो नज़र आ रहा है और ये कॉनेफ्रस फॉरेस्ट या प्लांट्स वो होते हैं जिनमें इस तरह के कोन्स बनते हैं तो इनके आप लीव्स भी देख सकते हैं कि इनके नीडल लाइक लीव्स होते हैं और इनकी वजह से ट्रांसपायरेशन कम होती है इन प्लांट्स से और सर्दी का मुकाबला कर पाते हैं अच्छा तो टाइगर का क्लाइमेट किस तरह का होता है द क्लाइमेट इज़ वन ऑफ अ शॉर्ट कूल समर्स एंड लॉन्ग विंटर्स विद अ स्नोफॉल तो यहाँ पे जो प्रिसिपिटेशन होती है वो स्नोफॉल की शिकल में होती है और समर्स भी ठंडे होते हैं लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं और विंटर सीजन काफ़ी लॉन्ग होता है the winters are extremely harsh and can last as long as 6 to 10 months temperature in the winters drop to about minus 20 degrees typically the soil freezes during the winter though winters may temperature minus 20 thakirajathay or forest may or soil or वो भी फ्रीज़ हो जाती है मोस्ट ऑफ़ द प्रेसिपिटेशन फॉल्स एज़ स्नो प्रेसिपिटेशन रेंज इज़ बिटवीन 25 एंड 100 सेंटीमीटर्स तो इसको आप कंपेयर करें इससे पहले जो हमने दो किस्म के इकोसिस्टम्स पढ़े वहाँ तकरीबन 250 सेंटीमीटर्स तक रेनफॉल होती थी या प्रेसिपिटेशन होती थी तो यहाँ उसकी क्वांटिटी कम हो गई है The frost-free growing season, means the summer, lasts for just 50 days. do mahine summer season chalta hai. However, the climate is typically humid because there is a great deal of snow melt in the spring and low temperatures reduce evaporation. To thand ki evaporation bhi kam hoti hai. और जब स्प्रिंग सीजन आता है तो स्नो की मेल्टिंग होती है द लैंडस्केप इज टिपिकली डॉटेड विद लेक्स एंड पॉन्ड्स तो जैसे जैसे स्नो की मेल्टिंग होती है डिफरेंट एरियाज में लेक्स और पॉन्ड्स बन जाते हैं अच्छा तो यहाँ पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनमें कौन कौन सी एडाप्टेशंस होती हैं कॉनिफर्स A conifer is a tree whose seeds grow in cones, such as spruce, firs and pines are the most common trees in these areas. To use different kissum ke trees hain. these trees do not shed their needle like leaves which help them survive the cold season. To inke leaves needle like hoti or transpiration ya evaporation. Usse तो इस वजह से प्लांट्स अंदर से कूल नहीं हो पाते और टेम्परेचर कोल्ड टेम्परेचरस का मुकाबला करते हैं दे आर स्पेसिफिकली टू विंटर इज रिलेटिवली ड्राई एज फार एज द ट्रीज आर कंसर्नड मॉइस्चर फॉल्स एज स्नो एंड स्टेज अबव द सोइलटल इट मेल्ट इन द स्प्रिंग The needle shaped leaves of the conifers are adapted to prevent water loss. तो इसका जिक्र हमने कर दिया है The branches of the trees are flexible. तो इन trees के जो branches हैं उनमें flexibility होती है उसका फायदा ये है कि they allow allow them to bend under a load of snow so that snow slides off without damaging them. तो जब उनके ऊपर बर्फ पड़ती है और बर्फ़ का लोड ज़्यादा हो जाता है उसकी बिना पे जो फ्लैक्सीबल ब्रांचेज़ होती हैं वो नीचे की तरफ लटक जाती हैं और स्नो उससे नीचे स्लाइड कर जाता है ड्यू टू द स्नो ऑन द फ्लोर ऑफ फॉरेस्ट मोस्ट डू नाट ग्रो ऑन द सॉयल तो चूंकि सॉयल जो है उसको स्नो ने कवर किया हुआ है इसी वजह से प्लांट्स ग्रो नहीं करते सॉयल में यहाँ से इस डायग्राम से आप देख सकते हैं ये स्प्रूस की ट्री है और ये फर की ट्री है यहाँ पे आप कॉन्स भी क्लियरली देख सकते हैं और पाइन्स पाइन का जो प्लांट होता है उसके लीव्स इससे थोड़े से डिफरेंट होते हैं वो नीडल लाइक होते हैं उसमें भी इसी तरह के कौन पाए जाते हैं तो ये इस इलाके में पाए जाने वाले स्पेशल प्लांट्स हैं अब यहाँ पे एनिमल्स की अडापटेशन्स देख लेते हैं कि एनिमल्स इस एक्सट्रीम uh, इन्वायरमेंट का किस तरह से मुकाबला करते हैं या कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं मैनी ऑफ द एनिमल्स ऑफ दिस बायोम आर टेम्परली एक्टिव ड्यूरिंग द समर तो समर सीजन में ज़्यादातर एनिमल्स एक्टिव होते हैं मोस्ट बर्ड्स आर माइग्रेटरी एंड दे कम बेक इन समर टू फीड ऑन अबंडेंट इंसेक्ट पापुलेशन ऑफ द पॉन्ड्स एंड लेक्स अच्छा तो कोल्ड सीजन में इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन कम हो जाती है जैसे ही स्प्रिंग आता है तो इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन में बूस्ट आता है और माइग्रेटरी बर्ड्स स्प्रिंग में वापस आते हैं और कोल्ड सीजन में यहाँ से चले जाते हैं तो बर्ड्स यहाँ आने के बाद इंसेक्ट्स पर फीड करते हैं इंसेक्ट्स खाते हैं अ फ्यू बर्ड्स सच एस पैकर्स एंड आउल्स आर परमानेंट रेजिडेंट्स तो कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो कि यहाँ परमानेंटली स्टे करते हैं टिपिकल मैमल्स आर डियर caribou moose wolves mice arctic hare and squirrels animals such as shrews may live in underground burrows throughout the winter moose and arctic hare eat what vegetation they can find hares change their skin color with season white skin coat in winter snow

कूल cool होगा और तो ब्लड की जो है फ्रीजिंग का ख़तरा है इसलिए वो सरवाइव नहीं करते हैं यहाँ पे तो जो डिफरेंट किस्म के एनिमल्स के नेम्स हमने अभी कोट किए हैं आ, इसको चंद एनिमल्स को अब हम डायग्राम के ज़रिए देखेंगे बाकी जो हैं वो आप लोग इंटरनेट से ज़रूर देख लें तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त बात बताई है कि आर्कटिक हेयर्स यानी कि खरगोश जो यहाँ पे पाए जाते हैं वो मौसम के साथ साथ अपने स्किन कलर को चेंज करते रहते हैं इसको अभी हम देख लेते हैं अच्छा ये मूस है तो जो कैरीबू है वो भी इसी तरह का होता है इसका डिफरेंट वेरिएंट है ये जो है इस एनिमल को लिंक्स कहते हैं एल वाई एन एक्स लिंक्स और ये एक बड़ा कैट किस्म का एनिमल है शिकारी एनिमल है कार्निवोरस है तो ये आप इसकी स्किन को देख कर कह सकते हैं कि इसकी स्किन काफ़ी तिक होगी और ये जो हेयर हैं तो ये इनको गर्म रखते हैं इस सख्त ठंड में ये आप देख सकते हैं आर्कटिक हेयर के इस खरगोश का कलर समर सीजन में सराउंडिंग्स की तरह हो जाता है और विंटर्स में जब स्नो पड़ती है तो इसका स्किन कलर भी सराउंडिंग की तरह हो जाता है तो इसको कैमोफ्लाश कहते हैं और इसकी वजह से जो प्रेडेटर्स हैं जो इनका शिकार करते हैं उनको ये इजीली विजिबल नहीं होते और ये हैं वुल्फ्स वुल्फ्स ज़्यादातर ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं और कुछ इलाकों में अगर इस किस्म के ठंडे इलाकों में ह्यूमंस रहते हैं तो इन वुल्फ से वो डिफ़रेंट किस्म के काम भी लेते हैं इनको पालतू बनाते हैं और इससे मुख्तलिफ किस्म के काम लेते हैं इसी के साथ ही हम आज का लेसन एंड करते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो